बहुत ज्यादा हालत है। छत की हालत बहुत बोसीदा है इसकी, बहुत बोसीदा है, पूरे सब गिरे जा रहे। तो जब कहा था सफाई के लिए कि यहाँ पेड़ वेड़ वो ऊपर निकले तो इसको जो है पेड़ वेड़ों को हटाया, सफाई रहे तो पानी नहीं जमा होगा। मामू वहां पे गाड़ के टिक जाए आराम से, आराम से उतरिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात मोमिन अस्सलामुअलैकुम। हम लोग रोज़ाए काज़माइन में आए हैं यहाँ पे देखने के, जो फ़ख्र मिल्लत ने पास कराया था यहाँ की जो बोसीदा हालत थी रोज़ाए काज़माइन की, ये आपके सामने है कि जो छतें यहाँ बह रही थी बहुत बोसीदा हालत थी, उन छतों को फिर से तोड़ के और उनको नई छत बनाने का पूरा आदेश हो गया है। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देखिए कि सब काम शुरू हो चुका है और बहुत बढ़िया तरीके से धन्नी वाली छत फिर से पड़ना है, मगर सब नए सिरे से पूरा एकदम। फ़ख्र मिल्लत मौलाना यासू अब्बास साहब कबीला ने कहा है कि इसको आप नई स्लेब डालिए, क्योंकि ये हमारी कौम की बहुत मुफीद चीज़ें हैं, एक नायाब चीज़ें हैं हमारी कौम की। अगर खुदा ना करे इसमें कुछ हो जाता है और इसको नहीं देखा गया तो इसकी बहुत बोसीदा हालत हो जाती, क्योंकि रोज़ाए काज़माइन हमारे लखनऊ की पहचान है। और माशाल्लाह से यहाँ पे जिस तरीके से फ़ख्र मिल्लत ने इतनी ज़बरदस्त मेहनत करके और इस मकाम पे लाए कि इसको यहाँ काम शुरू हो गया, यहाँ जब सुना हम लोगों ने तो हम लोगों को उन्होंने कहा चल के वहाँ पे देखें, और इतना कसम खुदा की दिल खुश हुआ और दिल से दुआएं निकलती हैं फ़ख्र मिल्लत मौलाना यासू अब्बास साहब कबीला के लिए कि उन्हीं ने क्या इस काम को इतना ज़बरदस्त अंजाम दिया है परवरदिगार, और उनको तरक्की अता फरमाए और परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफैल में उनके कामों में और इजाफा फरमाए। आप देखिए किस तरीके से काम यहाँ पे शुरू हो चुका है, ये देखिए सामने आपके है सब चीज़ें हैं। काफ़ी इससे पहले जब ये बजट पास हुआ तो मुहर्रम से पहले फ़ख्र मिल्लत मौलाना यासू अब्बास साहब कबीला यहाँ पे आए थे और उन्होंने आके ये कहा था कि हमने सब इसको पास कराए, तो कुछ दिक्कतों के कारण रुका हुआ था, जो अब ये काम शुरू हो गया है। आप देखिए माशाल्लाह से काम कैसे चल रहा है, और बहुत खुशी हुई, बहुत दिल खुश हुआ और दिल से दुआएं निकलती हैं फ़ख्र मिल्लत मौलाना यासू अब्बास साहब के लिए। जैसे यहाँ पे सब काम चल रहा है छत का पूरा, वैसे ही पीछे वाल जो है वहाँ पे भी यही काम शुरू हो चुका है। ये चारों साइड की जो छत है उसका यही तरीके से इसको बनना है, जैसे इधर काम चल रहा है वही पीछे भी चल रहा है। और ये रोज़े का जो आप सामने रोज़ा देख रहे हैं इसकी भी पूरी छत को, क्योंकि फ़ख्र मिल्लत ऊपर खुद गए थे और जाके उन्होंने इसका देखा था तो पानी टपक रहा था बहुत बोसी, इस पर भी यही छत का काम होना है और यहाँ पे भी यही काम होगा जिस तरीके से यहाँ पे छत का हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे काम चल रहा है इसी तरीके से शाह नजफ में भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और उसको फ़ख्र मिल्लत खुद देखने जाते रहते हैं और वहाँ पे काम कर देख रहे हैं। अभी भी चार पांच दिन पहले भी वहाँ पे गए, उन्हीं ने वहाँ पे जाके देखा और काम माशाल्लाह से वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके चल रहा है। मोमिनीन से गुजारिश है कि वो जाके ज़रूर देखें, जाके जो हालत रोज़ों की, जो हम लोगों की बोसीदा हालत कहाँ पे रोज़े की है, तो आप आके फ़ख्र मिल्लत को बताएं और कहीं पर आपको ऐसा लगे तो कम से कम वो जैसे उन्होंने वहाँ पर इतनी दौड़म भागी करके काम को शुरू कराया, आप देखिए माशाल्लाह से कैसा काम चल रहा है और सबके सामने चल रहा है, पूरी कौम उसको देख रही है। वैसे ही उन्हीं ने यहाँ भी शुरू कराया और उसी तरीके से जैसे सुप्पा में माशाल्लाह से सिद्दीक़े तहरा मासूमाए दो आलम शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा का रोज़ा तैयार हो गया है, उसको भी दो चार पाँच दिन के अंदर जो है वहाँ भी पेमेंट का काम रह गया वो भी कम्प्लीट होने पर है, वहाँ की माशाल्लाह से उनको कामयाबी मिली। तो जो देखिए जो काम है उस काम को बहुत बाखूबी अंजाम दे रहे हैं और बहुत लाजवाब तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। कैसे कैसे तरीके से रहा, सब कुछ मुसीबतें आ रही, कोई कुछ उड़ाता है कोई कुछ कहता है, अरे इतनी तो शर्म नहीं है कि मतलब ये किसके लिए काम हो रहा है।
ना ये फकरे मिल्लत के लिए काम हो रहा है ना किसी के लिए काम, ये काम है अहले बैत के लिए, रोजों के लिए काम है, उसके लिए है, क्योंकि मौला का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं है। ये जो काम है ये हमारी मिल्लत का काम है। अरे इस पे तो हमें फख्र होना चाहिए कि जो ये काम हो रहा है, ऐसा काम कहाँ हो पाता है। एक कोई मस्जिद की कोई स्लेब गिर जाती है या कोई इमामबाड़ों में कोई काम नहीं हो पाता है, तो उसकी एक छोटा सा इमामबाड़ा हो या मस्जिद हो, उसको बनवाने में कितनी परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, आपको इस चीज का अंदाजा है। जैसा कि आप सबने देखा ही कि यहाँ पे जो काम चल रहा है, हम लोग यहाँ पे आए और हमारे साथ जो हैं जनाब एजाज जी साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पे उन्होंने भी सब देखा है, सब सारा काम देख लिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से हर काम को अंजाम दिया गया। और भी जहाँ पे कहीं पे जो बोसीदा हालतें हैं कहीं पे रोज़ों की, वो भी इंशाल्लाह उसको भी फ़ख्रे मिल्लत की पूरी निगाह है, उसको भी काम को अंजाम दिया जाएगा। उस पर भी वो कोशिश कर रहे हैं, जो काफ़ी जगहों पे भी ऐसी है जैसी यहाँ की कंडीशन है ऐसी और जगहों पे भी है, उस पर भी पूरी तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं कि वो भी काम वहाँ पर भी शुरू हो जाए। और हम लोग परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार मौलाना यासू अब्बास साहब क़िबला को सेहत और सलामती अता करे, आमीन। और परवरदिगार और जो काम वो कर रहे हैं उसमें इज़ाफ़ा करे और मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफैल में उनको और कामयाब करे। सत्रह सौ चौंसठ